नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने टाइप थ्री जो किससे संबंधित था, कोण से संबंधित पढ़ रहे थे और पढ़ के ख़त्म भी कर चुके थे। पढ़ के क्या कर दिए थे, ख़त्म भी कर दिए थे। आगे हम लोग देखिए पढ़ा जाएगा अगला टाइप, जब दिशाएं बदल जाएं। हमने शुरू में लिखवाया है 9 टाइप के सवाल लिखवाए, जिसमें चौथा टाइप लिखवाया है क्या, जब व्यक्ति की सापेक्ष दिशा और दूरी पूछी जाए। लेकिन वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, लंबा खींचता है, इसलिए उसको बाद में थोड़ा पढ़ा जाएगा। 9 टाइप का टोटल पढ़ना है। आप कभी भी मतलब कोई भी टॉपिक पहले पढ़िए, मतलब कोई भी टाइप। तो हमने क्या किया, पहले छोटा छोटा वाला टॉपिक पहले क्या करेंगे, टाइप क्या करें, ख़त्म कर लें। उसके बाद जो बड़ा वाला है एक ही दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो देखिए, आज हम शुरू करेंगे कौन, जब दिशाएँ क्या होंगी, बदल जाएँ। इसको शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में ही कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, जैसे कि डाउट है, कुछ लोग कह रहे थे क्या डाउट है। तो पिछली वीडियो का से संबंधित, मतलब टाइप थ्री से संबंधित ही हम क्या लिख रहे हैं, कुछ सवाल लिख रहे हैं और एक आध बार बता देंगे ताकि डाउट हो, क्या हो, खत्म हो जाए। तो देखिए, व्यक्ति कोई है उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री कहाँ घूमता है, दक्षिणावर्त। फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री कहाँ घूमता है, वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री कहाँ घूमता है, वामावर्त घूमता है, अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अंत में कहाँ घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा है। तो क्या करेंगे, जो जोड़ने लायक है जोड़ लेंगे, जैसे जोड़ने जोड़ने वाला क्या बताए थे, दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त एक पास जोड़ लेंगे, वामावर्त वामावर्त एक पास जोड़ लेंगे, उसके बाद अंतर लेंगे, अंतर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी से पकड़ के घुमा देंगे, चाहे क्लॉक वाइज चाहे एंटी क्लॉक वाइज। दूसरा ये कि जो कटने लायक है उसको काट देंगे कि नहीं काट देंगे। तो इसमें कुछ कटने लायक दिख रहा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल काटने लायक दिख रहा है। देखिए, दक्षिणावर्त से वामावर्त क्या कटेगा, 135 से 135 कट गया। अब ध्यान देंगे 180 डिग्री क्या घूमना है, दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब यहाँ पर कटने लायक है कुछ, मन की आंखों से थोड़ा देखेंगे तो कटने लायक दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखिए 180 डिग्री क्या, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त से वामावर्त कटता है, तो एक दक्षिणावर्त से एक वामावर्त, एक दक्षिणावर्त से एक वामावर्त कटेगा, वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 90 और 90, 180 किसका हो जाएगा, वामावर्त का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और दक्षिणावर्त किसका, 180। तो ये 180 से आई दोनों पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अब खत्म हो गया, बच क्या गया है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक वाइज, 45 डिग्री दक्षिणावर्त कहाँ से, उत्तर से, उत्तर से 45 डिग्री घूम जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर पूर्व में। बस यही इस सवाल का आंसर है, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, दिक्कत बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के जो सवाल होंगे, अब आप घर पे कोई भी बुक उठाइए और सब सवाल को लगा डालिए, उसके बाद कुछ फंसता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मतलब लिख दीजिए अपने सुविधा अनुसार, या फिर बता दीजिए, तो फिर किसी वीडियो में हम इसका सोल्यूशन दे देंगे। और एक बात पिछली वीडियो में हो गया था क्या, उसमें एक त्रुटि हो गई थी, त्रुटि क्या हो गई थी, हम एक सवाल कोई लिखे थे उसमें, जैसे कि दक्षिणावर्त वामावर्त यहाँ पे लिखा है, तो जोड़ा कौन सा जाता है, दक्षिणावर्त से दक्षिणावर्त जोड़ा जाता है, तो गलती से हमने जल्दी जल्दी में दक्षिणावर्त से वामावर्त जोड़ दिया है, फिर उसको हमने सुधार भी कर लिया है, तो ये त्रुटि हो गया था। तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। और अगला अब हम शुरुआत करेंगे क्या, जब दिशाएँ क्या होंगी, बदल जाएँ, ठीक है। तो अगले टाइप का, जब दिशाएँ बदल जाएँ से संबंधित आपके सामने पहला सवाल ये रहा, ठीक है। तो देखिए इसमें सवाल कैसे बनते हैं, इसलिए हम लिख दिए हैं, आगे से हम इसको कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, फिलहाल में देख लें कैसे बनता है। लिखा है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, और यही क्रम क्या, और यही क्रम आगे जारी रहे, तो उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, हमको ये बताना है, क्या बताना है, उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा। अब इसका बेसिक मेथड देखेंगे, बेसिक मेथड देखेंगे ऐसे, अब डायग्राम बनाएंगे,
ऐसे होती हैं 8 दिशाएं हमारी, होती हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं। अब कह रहा है उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। अब उत्तर पूर्व कौन सी दिशा कहा जा रहा है? दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। अब ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व दिशा है कि नहीं है? उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाए। और कहा जा रहा है क्या? पूर्व को कौन सी दिशा कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। पूर्व को कौन सी दिशा कहा जाए? दक्षिण। तो पूर्व कौन हो सकता है? ये पूर्व को क्या कहा जाएगा? दक्षिण दिशा कहा जाएगा। पूर्व को कौन सी दिशा? दक्षिण कहा जाए। पश्चिम को क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। पश्चिम कौन सी दिशा कहा जाएगा? उत्तर दिशा कहा जाए। और यही क्रम आगे जारी रहे तो बताइए उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा। अब हमारा बेसिक से डायग्राम कौन होता है? ये होता है। और पिछले मतलब पहले ही क्लास में हमने आपको लगभग बताया होगा कि जो ये दिशाएं हैं, ये दिशाएं हैं क्या, कैसे भी इस फिगर को घुमा लीजिए उत्तर पूर्व के बाएं, सॉरी उत्तर पूर्व के दाएं क्या होगा? 90 डिग्री पे पूर्व होगा। और उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। मैंने कहने का मतलब ये है कि इस फिगर को आप कैसे भी रोटेट कर लीजिए लेकिन जो दिशाओं की स्थिति है इस फिगर के हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसे उसी दिन हम बताए थे उत्तर से 90 डिग्री दाएं घूमेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे? पूर्व से। पूर्व से 90 डिग्री दाएं घूमेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे? दक्षिण पे। दक्षिण से 90 डिग्री दाएं घूमेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे? पश्चिम पे। फिर पश्चिम से 90 डिग्री दाएं घूमेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे? उत्तर पे। फिर यही सर्कल जारी होगा। यही एंटी क्लॉकवाइज के साथ भी कर सकते हैं। जैसे उत्तर के बाएं कौन सी दिशा? पश्चिम। पश्चिम के बाएं कौन सी दिशा? दक्षिण। दक्षिण के बाएं कौन सी दिशा? पूर्व। पूर्व के बाएं फिर कौन सी दिशा? उत्तर। फिर यही क्रम जारी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दिशाएं को बस आपस में कभी बदल नहीं सकते। ये नहीं कि उत्तर उत्तर पूर्व की जगह चला जाएगा और उत्तर पूर्व की जगह उत्तर चला जाएगा। दिशाएं कभी आपस में इंटरचेंज नहीं होती हैं, दिशाएं कभी आपस में बदलती नहीं हैं। ठीक है, दिशाएं आपस में कभी क्या होगी? बदलेंगी नहीं। उत्तर पूर्व की जगह उत्तर ऐसे कभी आपस में इंटरचेंज नहीं होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपने क्या समझा? दिशाएं आपस में कभी बदलेंगी नहीं। जैसे कि इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो दक्षिण की जगह उत्तर पूर्व चला जाएगा और इसके जगह दूसरी वाली दिशा चल जाएगी, कभी नहीं जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है? अब इस फिगर को उस तरह से न करके इस तरह से रोटेट कर दिया गया है। अब रोटेट कर दिया गया है। अब देखिए, हमने जो क्वेश्चन में जो डेटा था उसको हमने ज्ञात कर मतलब लिख लिया। अब ये बताइए उत्तर के दाएं कौन सी दिशा होती है? उत्तर के दाएं कौन सी दिशा? पूर्व दिशा होती है। होती है कि नहीं होती है? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उत्तर के दाएं कौन सी दिशा होती है। पूर्व। उत्तर के दाएं देखिए पूर्व दिशा होती है कि नहीं होती है? उत्तर के दाएं पूर्व। अब ये पूर्व दिशा थी, ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा होगी कि नहीं होगी? अच्छा, जब ये पश्चिम दिशा हो गई तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। अब हम डायग्राम बस बना रहे हैं, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हमने क्वेश्चन के हिसाब से क्या किया? डायग्राम बना दिया। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे फिर से उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बना दिए कि नहीं बना दिए? अब हमारा डायग्राम ऐसे होता है लेकिन क्वेश्चन कैसे बनवा दिया? ऐसे बनवा दिया। बनवा दिया कि नहीं? अब देखिए कह रहा है उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा। अब ये बताइए उत्तर पश्चिम हमारे डायग्राम में कौन सी दिशा होती है? यही होती है। तो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी? उत्तर पूर्व। देखिए बन गया कि नहीं बन गया? उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा बन गया? उत्तर पूर्व बन गया। ये होता है हमारा डायग्राम वाला मैटर। तो देख रहे हैं कैसे लिखना अपना पड़ रहा है, कितना लेंथी हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। बस अब हम ये तो ब्लैक एंड वाइट जिंदगी है कि नहीं है? ब्लैक एंड वाइट ऐसे लिखेंगे फिर लगाएंगे तो ऐसे टाइम जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा। और हमें टाइम ही बचाना है, कंपटीशन में क्या बचाना है? टाइम ही बचाना है। अब देखिए हम फिर आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, कुछ मत करिए, आँख बंद करके। आँख बंद करके कैसे पता करेंगे? आँख खोल के। ठीक है, आँख खोल के क्या करिए? बस इतना चेक कर लीजिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में क्या, बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में कितना डिग्री घूम गया है, क्या फिगर कितना डिग्री घूम गया है। जैसे कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में कितना डिग्री घूमे हैं, बस इतना याद कर लीजिए। मतलब याद क्या करेंगे? कितना देख लीजिए। अच्छा, जितना डिग्री उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में होगा वही डिग्री क्या होगा? पूर्व से दक्षिण होने में भी होगा, वही डिग्री पश्चिम से उत्तर होने में होगा। गलती से
कहीं भी यहाँ हो गया मान लीजिए 180 डिग्री और यहाँ हो गया 90 डिग्री, तो मतलब क्या सवाल ही गलत है। क्या है सवाल ही गलत है। तो ये बताइए उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में कितना घुमा है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री क्या क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में आप क्या करेंगे, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमने में ज़्यादा कठिनाई होगा, होगा कि नहीं होगा। बस अब जब ज़्यादा कठिनाई होगा तो आप क्या करिए, जो रोटेशन यहाँ पे है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में वही लास्ट वाले को पकड़ लीजिए। लास्ट वाला कौन सा दिशा पूछा है, उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, उत्तर पूर्व। बस जैसे कि यहाँ पे भी आया था, ये डायग्राम से देखिए फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसको भूल जाएंगे, ये तो डायग्राम है, समझ गए तो भी ठीक है, नहीं समझे तो और ठीक है। ठीक है क्या करिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में बस ये चेक करिए कि कितने डिग्री हमारा फिगर क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है। देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में कितना डिग्री घुमा है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का, 90 डिग्री। घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में आप चाहें तो घड़ी की विपरीत दिशा में भी घूम सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा, बहुत लंबा घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा, तो वो दूरी घूमिए जो छोटी दूरी हो। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने में कितना डिग्री, 90 डिग्री क्या क्लॉकवाइज। अब बाकी भूल जाइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पूछा है उस पर आ जाइए, क्या दिशा बताना है, उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है, यही होती है। अब कितना घुमा है फिगर में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ से भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर पूर्व। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या, उत्तर पूर्व इससे भी, उत्तर पूर्व इससे भी, लेकिन इसको तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हमारे हिसाब से यही लगाएंगे। और अब हम क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और अपने मुख से प्रोनाउंसिएशन कर देंगे, बाकी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व माफ करिए उत्तर पश्चिम पूर्व हो जाए, उत्तर पश्चिम क्या हो जाए, पूर्व हो जाए, पूर्व क्या हो जाए, दक्षिण पश्चिम हो जाए, पश्चिम क्या हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, और यही क्रम आगे जारी रहे तो दक्षिण कौन सी दिशा हो जाएगी। अब तो आप चुटकी बजा के एकदम आंसर देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, एकदम बिल्कुल आप इतना टाइम में आप कमेंट बॉक्स में एकदम टाइप कर दीजिए कितना, मतलब कौन सा आंसर आएगा। अब क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या, एक का कोई आप रोटेशन चेक कर लीजिए, बस एक दिशा का, बाकी हमें कोई रोटेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अभी बताइए उत्तर पश्चिम से पूर्व होने में कितने डिग्री घूम गया है, उत्तर पश्चिम से पूर्व होने में कितने डिग्री घूम गया है, तो ये बताइए उत्तर पश्चिम ये दिशा है। अब ये देखिए आप चाहें तो क्लॉकवाइज, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, कि आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। ध्यान रहे अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमना है, जिस दिशा से हमें आंसर बताना है, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो वो दूरी हमेशा घूमेंगे जो दूरी क्या हो, कम हो, है कि नहीं है। अभी देखिए उत्तर पश्चिम पूर्व हो जाए, उत्तर पश्चिम पूर्व हो जाए तो ये 45 और 45 और ये 90 कितना हो गया, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, 135 डिग्री क्या है, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है कि नहीं है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा दूसरा घूमेंगे तो देखिए 45 ये 90 180 और 45 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, आप चाहें तो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, चाहे तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए, तो कौन आसान है, तो आप कहेंगे 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब उत्तर पश्चिम से पूर्व होने में कितना डिग्री घूमा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा देखिए दूसरा रोटेशन अगर क्रॉस चेक करना है, पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से दक्षिण पश्चिम होने में, देखिए पूर्व से दक्षिण 90 और दक्षिण पश्चिम होने में 90 और 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये सबका रोटेशन सेम होगा, अगर रोटेशन सेम नहीं हो तो मतलब सवाल ही गलत है, ये एकदम आँख बंद करके हमारे पर भरोसा करके लगा दीजिएगा, ठीक है, फ्री का नंबर मिल जाएगा। तो 135 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज। अब बस इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, दक्षिण से क्या घूम जाइए, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिण कौन सी दिशा, ये अब 90 घूमेंगे पश्चिम और पश्चिम से फिर 45 घूमेंगे उत्तर पश्चिम, मतलब दक्षिण दिशा कौन सी बन जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। बस सवाल खत्म चुटकी बजा के। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि पश्चिम क्या बन जाए, दक्षिण बन जाए, पूर्व क्या बन जाए, उत्तर बन जाए, दक्षिण क्या बन जाए, पूर्व बन जाए, तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा बन जाएगा। प्रॉपर क्वेश्चन बोलने देखिए, प्रॉपर क्वेश्चन क्या है, यदि पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण को पूर्व कहा जाए, और यही क्रम आगे जारी रहे
तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा बन जाएगी, ये क्या है प्रॉपर क्वेश्चन है। तो क्या कहे हैं, कुछ नहीं, बस क्या चेक कर लीजिए रोटेशन कहाँ से, पश्चिम से दक्षिण होने में कितने डिग्री घुमा है, पश्चिम से दक्षिण होने में कितने डिग्री घुमा है। फिर हम बार 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 ध्यान दे रहे हैं, अच्छा बार बार ध्यान दिलाने से क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, कंठस्थ होती हैं। तो पश्चिम से दक्षिण होने में आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, ठीक है। वही दूरी घूमेंगे जो दूरी क्या हो, नज़दीक हो। आप चाहें तो घड़ी की दिशा में भी पश्चिम से कहाँ आ सकते हैं, दक्षिण पे आ सकते हैं, आप चाहें तो घड़ी की विपरीत दिशा में भी दक्षिण से पश्चिम से दक्षिण पे आ सकते हैं। अब ये बताइए कौन दूरी छोटी है पश्चिम से दक्षिण होने में, तो आप कहेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। ऐसे अगर घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे और ऐसे घूमेंगे दक्षिण सॉरी माफ करिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। ये बताइए पश्चिम से दक्षिण होने में कितना घुमा है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री घुमा है कि नहीं घुमा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल घुमा है। अब 90 डिग्री क्या घुमा है, पश्चिम से दक्षिण, ये घड़ी के विपरीत दिशा में है कि घड़ी की दिशा में, तो आप कहेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, क्या एंटी क्लॉकवाइज। बाकी आगे चेक करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, एक रोटेशन चेक करिए, अब उत्तर पूर्व से क्या घूम जाइए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है, ये दिशा उत्तर पूर्व यही है, यहाँ से इधर घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे और इधर घूमेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे। कितना घूमना है, आप कहेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ से उत्तर पूर्व से, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, कहाँ पहुँच गए, उत्तर पश्चिम में, मतलब उत्तर पूर्व कौन सी दिशा बन जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा बन जाएगी। बस यही सवाल का आंसर है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभी जो पिछला हम लोग किए हैं जैसे उत्तर पश्चिम पूर्व बन जाए, इस टाइप के हम आपके सामने दो चार क्वेश्चन लिख देंगे होमवर्क है, बाकी उस टाइम में अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। उम्मीद है अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, फिर हम अगले वीडियो में बता देंगे, बाकी उस टाइप में कुछ बचा नहीं है। इसी टाइप का एक दूसरा रूप होता है, देखिए लिखा है एक घड़ी में 9 बजे हैं, एक घड़ी में कितना बजे हैं, 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, इस समय मिनट की सुई कहाँ है, दक्षिण की ओर है, तो बताएं घंटे की सुई कहाँ होगी। अब बड़ा मज़ेदार सवाल है, मज़ेदार है कि नहीं है, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए नहीं है, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए है। तो देखिए पहले बेसिक ही, अब बेसिक ही क्या बताते हैं, यही इसका तरीका भी है लगाने का। तो देखिए घड़ी है, सर्कल बनाए हैं कि नहीं सही से, अब सर्कल बनाएं, अब देखिए यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इतना बता दीजिए किसी भी घड़ी में 9 कैसे बजते हैं, तो आप कहेंगे घंटे वाली सुई किस पे होती है, 9 पे होती है, और मिनट वाली सुई किस पे होती है, 12 पे होती है। होती है कि नहीं होती है, किसी भी घड़ी में 9 ऐसे ही बजते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही बजते हैं। अब कह रहा है कि मिनट की सुई अगर दक्षिण की ओर हो, मिनट की सुई कहाँ हो, दक्षिण की ओर है। अब देखिए इसका बेसिक वाला हम बता दे रहे हैं, इसी घड़ी में कैसे बजेंगे 9, इस तरीके से बजेंगे जैसे यहाँ पे बजाएं 9, ये बजाए कि नहीं बजाए, घड़ी में कितना बजाए, 9 बजाए। अब कह रहा है मिनट की सुई कौन होती है, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। अब मिनट की सुई कह रहा है कहाँ हो, दक्षिण दिशा की ओर हो, तो घंटे की सुई बताइए कहाँ पे होगी। अब ये बताइए दक्षिण दिशा, तो इसके सामने कौन सी दिशा होगी, तो आप कहेंगे उत्तर दिशा होगी कि नहीं होगी। अगर ये उत्तर दिशा है तो ये कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर के दाएँ कौन सी दिशा होती है, उत्तर के दाएँ कौन सी दिशा, तो आप कहेंगे उत्तर के दाएँ, देखिए उत्तर के दाएँ कौन सी दिशा, पूर्व, तो ये उत्तर है, और उत्तर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, दाएँ का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मतलब ये कौन सी, ये घंटे वाली सुई थी ध्यान देंगे, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा, और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा। फिर वही बात आ गया, फिगर को ऐसे ऐसे न करके कैसे कर दिया ऐसे, तो ये मिनट वाली सुई थी, मिनट वाली थी कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, अरे ऐसे बनाए थे ना कि नहीं, फिर हम बाद में इस डायग्राम बना दिए हैं, तो ये मिनट वाली सुई थी और ये कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई है कि नहीं है। तो ये बताइए घंटे वाली सुई कहाँ है इस समय, तो आप कहेंगे बिल्कुल पूर्व दिशा की ओर है। तो ये इसका बेसिक मेथड है कि नहीं है, ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी, जो कि हमें जीना नहीं है, ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है कि नहीं है, इस समय कलरफुल ज़िंदगी चल रहे हैं, ठीक। तो किसी भी घड़ी में 9 कैसे बजते हैं, ऐसे बजते हैं, आप बजा लीजिए 9, अब रुक जाइए एक बार इसको हटा दें, ये इसका बेसिक है जो कि लगाना नहीं है, ठीक है। अब देखिए किसी भी घड़ी में 9 कैसे बजेंगे, तो आप कहेंगे जी ऐसे बजेंगे, ऐसे बजेंगे नहीं बजेंगे। अब मिनट की सुई ये और घंटे की सुई ये, अब कह रहा है मिनट की सुई अगर कहाँ हो, दक्षिण की ओर हो, मिनट की सुई कहाँ हो, दक्षिण की ओर, तो बताइए घंटे की सुई कहाँ होगी। तो फिर वही बात, आप रोटेशन चेक कर लीजिए या फिर दूरी चेक कर लीजिए, दूरी चेक करिए किसके बीच, मिनट और घंटे के बीच, मिनट और
घंटे के बीच, दोनों वाले सुइयों के बीच कितनी दूरी है, दूरी मतलब कोण में, तो देखिए दो कोण बनेगा, 360 डिग्री की घड़ी होती है तो एक 90 का होगा और 360 माइनस 90 दूसरा वाला कोण बनेगा। तो आप चाहें किसी भी तरीके से घूम सकते हैं, लेकिन वो कोण हम लोग लेंगे जो क्या हो, नज़दीक हो, जैसे उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में लिया करते थे। तो ये बताइए इन दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री कोण है कि नहीं है, कोण कितना पता चल गया 90 डिग्री। अब दूसरा चीज़ ये पता कर लें कि जो घंटे की सुई है, अरे माफ़ करिए मिनट की सुई है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई से घंटे की सुई घड़ी की दिशा में है कि घड़ी की विपरीत दिशा में है। दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का कोण। अब ये जो मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, जो मिनट की सुई से घड़ी की विपरीत दिशा में है कि घड़ी की दिशा में है, अगर ऐसे चलेगी तो घड़ी की दिशा में और ऐसे चलेगी घड़ी की विपरीत दिशा में, होगी कि नहीं होगी। तो ये आप कहेंगे घंटे की सुई जो है मिनट की सुई से कहाँ है, घड़ी की विपरीत दिशा में है, कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज, किससे, मिनट की सुई से, जो मिनट की सुई है वो मिनट की सुई घंटे की सुई से कहाँ है, क्लॉकवाइज है, और ये कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज है। कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, क्लियर है कि नहीं है। देखिए फिर रिपीट कर रहे हैं, दो ही चीज़ पता करना है, ये पता करना है किसी भी घड़ी में नौ कैसे बजेंगे, ऐसे बजेंगे। अब ये पता कर लीजिए कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है, सीधे सीधे बता रहे हैं कितने डिग्री का कोण है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का कोण है। दो कोण बनेंगे, कोई कन्फ्यूज नहीं हुआ, दो कोण बनेंगे, एक इधर से भी बनता है, ये वाला कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो कोण लेना है क्या जो नज़दीक हो, वो कोण लेंगे जो क्या हो, नज़दीक हो। तो कौन कोण नज़दीक है, ये वाला, इसमें इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, ठीक। अब ये मिनट वाली सुई है, ये कौन सी वाली, मिनट वाली सुई है, और ये वाली कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई है। अब दूसरा चीज़ ये पता कर लीजिए, जिसकी दिशा हमें ज्ञात है, किसकी ज्ञात है, मिनट वाली की ज्ञात है। अब जो जिसकी दिशा ज्ञात है उससे जिसकी दिशा बतानी है, जिसकी दिशा ज्ञात है उससे जिसकी दिशा बतानी है, वो घड़ी की दिशा में है कि घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो देखिए दक्षिण वाली जिसकी दिशा ज्ञात है, आइए इससे कहाँ है, घड़ी की विपरीत दिशा में, कितने डिग्री, 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो बस दक्षिण से क्या घूम जाइए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे कहाँ पहुँचेंगे, आप कहेंगे पूर्व में, कहाँ पहुँच गए, पूर्व में। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, यदि किसी घड़ी में कितना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, किसी घड़ी में कितना बजे हैं, 3 बजे हैं, किसी घड़ी में कितना बजे हैं, 3 बजे हैं। यदि इस समय मिनट की सुई कहाँ हो, मान लीजिए उत्तर पश्चिम की ओर हो, मिनट की सुई कहाँ हो, उत्तर पश्चिम की ओर हो, तो बताइए घंटे की सुई कहाँ होगी, घंटे की सुई कहाँ होगी। अब एकदम दन्न से आंसर बताएंगे, अब जो पिछली क्वेश्चन में कन्फ्यूज होंगे फिर एक बार बता देना है। देखिए किसी भी घड़ी में 3 कैसे बजेंगे, मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 12 पे, और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 3 पे। ये कौन सी सुई है, मिनट वाली है, देखिए इतना लंबा लेके लिख रहा है, कौन सी सुई, मिनट की, और ये कौन सी सुई है, घंटे की, ठीक है। अब ये बताइए किसकी दिशा हमें ज्ञात है, तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई की दिशा ज्ञात है, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। अब देखिए यहाँ तक हम कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन कहा है वही कर दिए हैं, कर दिए कि नहीं कर दिए हैं, बिल्कुल कर दिए हैं। घंटे की सुई, अरे कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, मिनट की सुई कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, मिनट की सुई कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तो बताना हमें कौन सा है, घंटे की सुई की दिशा बताना है। तो पहला काम ये करिए कि दोनों सुइयों के बीच कोण निकालिए, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री है कि नहीं है, आप कहेंगे जी बिल्कुल 90 डिग्री कोण है। अब ये बताइए जिसकी दिशा हमें ज्ञात है, किस सुई की ज्ञात है, तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई की, किसकी बतानी है, घंटे वाली की बतानी है। पहला ये ज्ञात करेंगे कोण 90 डिग्री, दूसरा ये ज्ञात करेंगे जिसकी दिशा हमें ज्ञात है और जिसकी दिशा हमें बतानी है उससे वो घड़ी की दिशा में है कि घड़ी की विपरीत दिशा में है। अब इससे इसकी की दिशा हमें ज्ञात है और घंटे वाली की बतानी है, ये बताइए इस सुई से ये कहाँ है, घड़ी की दिशा में है कि घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो आप कहेंगे घड़ी की दिशा में, अरे घड़ी ऐसे चलती है ऐसे ऐसे, तो ये घड़ी की दिशा में है कि नहीं है, घड़ी की दिशा में कितना, 90 डिग्री। अब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री है, अब बस कुछ नहीं करना, उत्तर पश्चिम से 90 डिग्री घूम जाइए कहाँ, घड़ी की दिशा में, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा, यही से 90 डिग्री घूम जाएंगे तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व, मतलब घंटे की सुई कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में है, बस बाकी कुछ है नहीं इस सवाल में। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा है आपके सामने, यदि किसी घड़ी में कितने बजे हैं, 6 बजे हैं, घड़ी में कितना बजे हैं, 6 बजे हैं,
यदि इस समय मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो, एकदम आँख बंद के अंतर बताएंगे, यदि मिनट की सुई कहाँ हो, दक्षिण की ओर हो, तो घंटे की सुई कहाँ होगी, एकदम जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे, कैसे दन्न से, ठीक है। इतना देर में तो हो ही गया होगा उम्मीद है, क्योंकि ये सब सेकंडों के सवाल हैं। अब देखिए किसी भी घड़ी में छः कैसे बजेंगे, तो आप कहेंगे घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई कहाँ होगी, छः बारह पे होगी, मिनट वाली सुई कहाँ होगी, बारह पे होगी, और घंटे वाली सुई किस पे होगी, छः पे होगी, होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। अब पहला काम यही करेंगे, क्या कोण निकाल लीजिए, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण है, तो आप सीधे सीधे सीधी रेखा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज घूमिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, बात क्या है, बराबर है, किसकी दिशा ज्ञात है, तो आप कहेंगे मिनट वाली, मिनट वाली कौन सी दिशा में है, दक्षिण में। अब दक्षिण से कितना घूम जाए, 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज घूमिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, दक्षिण से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर में। देखिए दक्षिण से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उत्तर में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो भी कहाँ, उत्तर में, मतलब घंटे वाली सुई कहाँ है, उत्तर दिशा में। देखिए बस और कुछ इस टाइप में है नहीं, बाकी दो चार क्वेश्चन आपको होमवर्क लिख दे रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में मतलब सॉल्व करके आंसर बता दीजिएगा। बाकी जो कोई बुक हो आपके पास उससे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिए हैं, बाकी होमवर्क दो चार लिख दे रहे हैं, एक इस दो तीन इस क्वेश्चन से लिख दे इस टाइप से, और एक दो पिछले वाले टाइप से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे इस टाइप में कुछ है नहीं, बाकी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, बाकी आपके सामने दो चार क्वेश्चन लिख दिए हैं HW के तहत, ठीक है। तो एक बार आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी देखिए, यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए, पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी, पहला क्वेश्चन। पश्चिम को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण को उत्तर कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा बन जाएगी, ये वाला है। यदि किसी घड़ी में 4 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई कहाँ है, पूर्व की ओर है, तो घंटे की सुई कहाँ होगी, ये बताना है। यदि किसी घड़ी में कितना बजे हैं, 8 बजे हैं, यदि घंटे की सुई कहाँ हो, उत्तर की ओर हो, तो मिनट की सुई कहाँ होगी, ये हमको बताना है। तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कम दनादन आंसर बता देंगे, ठीक है। आगे अगला और टाइप शुरू करेंगे, पहले जो छोटा छोटा वाला टाइप है उसको ख़त्म कर लेंगे, जो चौथा टाइप है जो सापेक्ष दिशा और दूरी पूछी जाती है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन भी 60 में नहीं लिख पाएंगे, उसको क्वेश्चन को प्रॉपर हमें लिखना पड़ेगा, उसको प्रॉपर समझाना पड़ेगा, उसमें पाइथागोरस वोरस भी होता है और हवाई दूरी उसमें बतानी होती है, न्यूनतम दूरी, उसको थोड़ा बाद में करवाएंगे, ठीक है। पहले जो छोटा छोटा वाला है उसको कवर कर लिया जाए, और छोटा छोटा है, मिनटों सेकंडों का सवाल है, एक नंबर आपको देके चला जाएगा, ठीक है। तो अगली बार अगला टाइप देखेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।